एक शैली है नौटंकी, जो पहले आध्यात्मिक या पौराणिक कहानी को बखान किया जाता था और बाद में अलग अलग कहानी भी प्रस्तुत होने लगी। मैं जो फॉर्म जो थीमेटिक कंटेंट है वो थोड़ा बोलना चाहूंगी ताकि आप लोग समझे। भोजपुरी गीतों में मैंने ये देखा कि हर दूसरा तीसरा गीत माइग्रेशन कंटेंट के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। मीन्स या तो जो घर परिवार गांव छोड़ के शहर को आ गया, वो सैया हो, पति हो, पियाजी हो, या तो वो अपना गांव छूटने का दर्द गाते हैं, या फिर घर में जो पत्नी होती है या फिर परिवार होता है, परदेसी एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो गीत है इसमें एक नवविवाहिता खूबसूरत पत्नी अपने पति से वो शिकायत करती है, कंप्लेन करती है कि अगर मैं एकदम नई नवेली दुल्हन हूं और हाथ में मेहंदी और सिर का जो सिंदूर है एक हफ्ता भी नहीं हुआ और आप हमें छोड़ के परदेश जा रहे हो, तो इतना ही अगर आपको काम प्यारा तो आप क्यों हमसे शादी किए, इस तरह की बात है। और आज मैं एक एहसास बोलना चाहूंगी, मैं जिनके सामने गा रही हूं, मुझे पता है ये सोसाइटी सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी है और जिसके जो विषय में गा रही हूं वो उसमें सोफिस्टिकेसी है ही नहीं, तो भोजपुरी को सुनने के लिए सोफिस्टिकेसी थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। और है हम इंडियंस ही है, हम भारतीय ही है, लेकिन अपने अपना गांव छूट गया है कहीं से, कहीं पे वो है कहीं अंदर लेकिन ढूंढ नहीं पा रहे। मैं वही चाहती हूँ कि आप गांव में चला जाए, वापस मुंबई में है शारीरिक रूप से लेकिन फिर भी दिमाग से गांव चला जाए। हाथ में मेहंदी मांग सेनुरवा, बर्बाद कजरवा हो गई। बर्बाद इसलिए हो गया क्योंकि मैं जिनके लिए श्रृंगार करती हूँ वही मेरे सामने नहीं है। नौटंकी। पपी हाँ। हो
बोलिया बोले पापी पपिया, बोलिया बोले दिल झड़के सुबह रवा, हो गईले हो दिल झड़के सुबह रवा, हो गईले हाथ में मेहंदी मांग से नोरवा, हाथ में मेहंदी मांग से नोर बर्बाद कजरबा। होने का सवाल आजकल नहीं है क्योंकि वो जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है वो ही नहीं रहा, तो सासों से झगड़ा होने का मौका ही नहीं है। लेकिन लोक गायन में देखिए रिश्तों की अहमियत को किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। आज ठीक है, हम लोग फ्री है, मैं खुद ही मुंबई में रहती हूँ, मेरे सासू जी आसाम में है। लेकिन एक बात बोलना चाहूंगी, आज जो हम लोग अपने बच्चे को जो पालने की तरीका है, आज हम लोग प्ले स्कूल में, हम लोग मोबाइल्स में देख रहे हैं घर में बेबीज ठीक है कि नहीं, जो भी ये समस्या है, हम कैसे बड़े हुए हैं। मेरी मासी, मेरी मम्मी भी नौकरी करती थी, तो मेरी मासी मेरी बुआ, जॉइंट फैमिली में ये बात होता था कि ऐसे ही हम लोग बड़े हो गए परिवार में रिश्तों के बीच। आज सासू से झगड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन सासू माँ और बहू, आज करवा चौथ है ना, आप लोगों ने व्रत रखा है किसी ने, वो पंजाब का कल्चर है। सो ये रिश्तों में लोक गायन कैसे घूमती है एक्चुअली। तब पहले पहले जब आईली गवनवा, सासों से झगड़ा हो गई ले, बाके बलम पर हो, बाके बलम पर देसवा बिराजे,